वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। पांडे फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है आप सबका। जय माता दी, राधे राधे गाइस। टाइमिंग कितना हुआ, सुबह के 9 बज गए हैं गाइस। और नवरात्र का आज पांचवा दिन है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो पांचवें दिन का। और आज है बैसाखी, हमारे यहाँ बैसाखी कहते हैं आज 13 तारीख को। आपके यहाँ क्या कहते हैं 13 अप्रैल को, क्या कहते हैं आपके यहाँ, कौन सा त्योहार आपके यहाँ होता है, आज के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं आप कमेंट में बताना मुझे, समझ जाना कि आज क्या है। आज हमारे बच्चों की छुट्टी है, बच्चे हमारे सब घर पे ही हैं, आज दो छुट्टियां मिल गई इनको। देखो बैठा हुआ हीरो, सैटरडे संडे दो छुट्टियां हो गई। अब ये सब मेरे दिमाग इतना खाएंगे ना कि अब आपसे क्या बताऊं, बोल बोल के मैं थक जाती हूँ, मैं बीमार भी हो जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं कुछ बोलूंगी नहीं, जाओ लड़ दो, सब लड़ते रहते हैं आपस में जितने बहन भाई हैं सब। और सुनाइए आप कैसे हो, आप सब अच्छे हो? ऑफ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, इतना ज्यादा भर भर के अच्छे होंगे गाइस। चाय पानी पी ली हूँ, पहले पूजा पाठ हो गया मेरे, ठाकुर जी का सेवा हो गया, उनको उठा के उनको स्नान करवा के पूजा पाठ कराई हूँ गाइस। अब अपना चाय पानी पी के फ्री हुई हूँ, अब चल के आज सोचती हूँ कि बच्चे घर पे हैं, आज गरम गरम परोठे बनाऊँ इसके लिए, इनके लिए। किसके परोठे, गोभी की आलू के, किसके, अभी ये नहीं डिसाइड है कि किसके परोठे बनने हैं, आलू के, आलू के परोठे। इसको बहुत आलू पसंद है, इतना आलू उबाल के अगर रख दो तो ये खाली आलू ही खा जाएगा, पर फिर होता भी नहीं आलू जैसे, कितना मोटा मोटा हो जाए आलू जैसे। चलो ठीक है, इनके सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ गाइस, आप सब भी नाश्ता कर लो, आप सब भी जाके खाओ पियो, आइस करो अपना, आजकल दो छुट्टियां हैं, आइस करो। ठीक है, हेलो, परोठा बनाने लगी हूँ। आज हमारे बच्चे सब घर पे हैं, बताई तो थी सुबह आपसे कि बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों के लिए मैंने कहा चलो परोठे बना दूं और मलाई के साथ कोई खा लेंगे, कोई दही के साथ खा लेंगे बच्चे। श्रीमान जी के लिए तो देती हूँ, आज हमारा बेटा लेके गया है देने पापा को परोठे, और मैं वो बेटियों के लिए अपने बना लेती हूँ। परोठे अगर दही के साथ खाना होगा तो दही के खा लेंगे, मलाई के खाना होगा तो मलाई के अचार लेके खा लेंगे बच्चे। आ जाओ ले जाओ बच्चे, परोठा ठंडा हो जाएगा। ये दो आलू छीन दो ना, थोड़ा सा कम पड़ गया, पहले छीन दो, दो लोइयां कम पड़ गई आलू, फिर छीन के रखो, तो मैं बना के देती हूं परोठा। इन्हें पॉज कर दे, चलो ठीक है बना के मिलती हूँ। देखिए इनका सबका गाइस, रोटी परोठा, मलाई लेके आए हैं और परोठा, किसी ने तो दही के साथ खाया, और उसको देखना, उसको भी दिखाई देती हूँ लेट के खा रहा है। आप सब कमेंट में बोलना कि कैसे साई है बेटा मेरा, देखना देखना गंदा सा है, इतना है नटखट शरारती ना कि मैं तंग हूँ, लेट के खा रहा है और टीवी देख रहा है, पर मेरी बेटियाँ तो बहुत अच्छी हैं, देखना है। इधर लगाया हुआ है, बस सब खा रहे हैं, मैं नहीं खाई हूँ, मैं अभी नहीं खाऊंगी, और मुझे एक काम करना है गाइस, हमारे मोहल्ले में शादी है तो इनविटेशन आया है वहाँ से, तो उनके हम मतलब सगन देने जाना है, लड़की की शादी है, तो मैं सोचती थी कि सगन दे आऊँ जाके आज, फिर कल संडे हो जाएगा, कल संडे को मंदिर जाऊँगी, कहीं और भी जा सकती हूँ, टाइम ना मिले, बच्चों के लिए कोई सामान लेना हो, कुछ ले हो लेना हो तो नहीं, टाइम क्या पता ना लगे मेरा, तो मैं जाके आज ही दे आती हूँ, जाके उनको सगन दे आती हूँ, लड़की की शादी है तो जाना तो बहुत ज़रूरी है भाई। देखती हूँ, एक साड़ी रख लेती हूँ और एक पैंट शर्ट, एक साड़ी एक पैंट शर्ट ले लेती हूँ, और उसमें 1100 रुपये डाल लेती हूँ कार्ड में, इतना काफ़ी है ना, मेकअप का सामान ले लूँगी, जाते जाते मेकअप का सामान उधर ले लूँगी, उधर से दे आऊँगी जाके,
चलो मैं सामान सामून रखती हूँ और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस, बाकी तो सब कुछ लगा हुआ है। आज बच्चे घर पे हैं, अब सबको दे दी हूँ परोठा, नाश्ते में खा लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे टीवी देखेंगे आराम करेंगे और मैं जा आती हूँ, थोड़ी देर लगेगा फिर। चलो दिखाती हूँ आपको, देखना 1000 रुपये डाल देती हूँ, मोहल्ले में शादी है इतना काफ़ी है 1000 रुपये। कार्ड में अपना नेम लिखती हूँ श्रीमान जी का और ये डाल देती हूँ। ये हो गया और एक साड़ी है, इसमें साड़ी में सामान लेना है जाके, चूड़ी बिंदी सिंदूर लेके इसमें डाल दूंगी मेकअप का सामान सारा। अब एक पैंट शर्ट का कपड़ा है, इसको ऐसे रख के और इसे बांध लेती हूँ, सगन देना है ना लड़की का शादी, दे आती हूँ जाके। बस इसी में कार्ड रख लेती हूँ, ठीक है इतना मेकअप का सामान रख लूंगी फिर इतना दे आती हूँ जल्दी। चलो ठीक है फिर मिलते हैं। देखिए मैं क्या काट रही हूँ, खरबूजा काट रही हूँ। आज बच्चे घर पे ही हैं सब, तो मैंने कहा चलो शाम के नाश्ते में ये काट के दे देती हूँ बच्चों को। पर बहुत बढ़िया है ये, इतना पका हुआ है बिल्कुल लाल लाल पड़ा है खून जैसे, देखना। बहुत मीठा है, आज उनकी छुट्टी थी तो मैंने कहा जिनको खरबूजा खिला देती हूँ पांडे जी को। बहुत मीठा है गाइस, बहुत ज्यादा। मैं सब्जी लेने गई थी अभी तो मैंने कहा ले चलती हूँ, मौसम है इसका। पपीता तो हम रोज खाते थे आपको पता है पपीता, लेकिन आज मैं खरबूजा लेके आई हूँ, कुछ अलग सा ले आई हूँ, बहुत मीठा है। देखिए मैं दाल रख दी हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना है आज, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनेगी। सब्जी लेके आई थी कद्दू है, पेठा है, इसको क्या कहते हैं आप सबके यहाँ? हमारे यहाँ तो इसको कद्दू कहते हैं पेठा कहते हैं गाइस, पर मैं बनाऊंगी इतने टाइम भिंडी। भिंडी की सूखी सब्जी, दाल चावल रोटी, अपने बेटे को ट्यूशन से लेके आना है अभी जाके, मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ फिर जाके लेके आती हूँ उसको, 4 बजे छोड़ के आई थी 6 बजे लेके आना है उसको। दाल में सीटी आ जाए फिर मैं बंद करके जाती हूँ, फिर आके तड़का लगाती हूँ दाल में। इसको धो लूंगी, धो दूंगी, सूखता रहेगा जब तक, थोड़ा सा पानी सूख जाएगा इसका फिर इसको काटूंगी, तब तक इधर दाल में सीटी आ जाए। देखो पानी भर लो बेटा, मैंने प्यास भी लगा, पानी नहीं हो तो मैं क्या मोटर चलाया हूँ, मोटर चला के आऊ। अबे धो गया, थोड़ा सूख जाएगा तब तक, बाद में काट के तड़का लगा दूंगी सब्जी। आ गया मेरा बेटा, देखना ट्यूशन छुट्टी हो गई इसको, मैं लेने आई हूँ।
और उसको भी ले आओ, सुमित को भी। सुमित को भी तो छुट्टी होगी, चल साथ में बैठा ले चलते हूँ। उसकी मम्मी से मैं बोल के आई थी कि मैं ले आऊँगी, दूसरे पूछ लो जाएगा सुमित। एक मेरे बेटा का दोस्त है तो मैंने कहा उसको भी ले चलती हूँ, हमारे उधर ही रहता है हमारे मोहल्ले में गाइस। चलो ठीक है फिर मिलती हूँ। देख रहा हूँ अपने बेटे के लिए बनाना शेक बना के दे देती हूँ, ट्यूशन से लेकर आई हूँ उसको भी। अबे कहता है मम्मी बनाना शेक दे दो मुझे बना के। गाइस बनाना शेक बना रही हूँ, इसको बनाना शेक बना के दे के फिर मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना फटाफट। बस चीनी हमारे बेटे को बनाना शेक बहुत पसंद है गाइस, बहुत ज्यादा। अगर हम सारा दिन बना बना के देती रहो खाली कर दी थी तो ये नहीं कहेगा कि मम्मी रहने दो अपना बनाओ, ना नहीं पीऊंगा मैं। डालो डालो एक और बार, चाहे रोटी ना दे, रोटी ना दो इसको, और इसको बनाना शेक बना बना के दो गिलास जोड़ के चार गिलास दिन में पी सकता है पूरा मेरा। चलो ठीक है देखना, स्विच तो चालू करो। मेरी दाल भी बन गई गाइस, देखना मेरी दाल बन गई है। अब मैं चलती हूँ इसमें तड़का लगाती हूँ दाल में, और चावल रख देती हूँ चूल्हे पे, और चूल्हे पे सब्जी में तड़का लगा दूंगी भिंडी के। और श्रीमान जी बैठे हैं हमारे खाने के लिए, हमारे यहाँ रात की रोटी जल्दी हो जाती है, 8 बजे तक हम खा ही लेते हैं रोटी रात की। उसके बाद 9 बजे तक किचन साफ कर देती हूँ पूरा किचन अपना, सारा बर्तन सल्फा सारा कुछ गए, चूल्हा सब कुछ साफ कर दूंगी, मेरा हो जाएगा 9 बजे तक। तो इस करके मैं चलती हूँ बनाती हूँ अब खाना पानी, और आज का ब्लॉग सभी पे एंड करती हूँ। कल सुबह एक न्यू के साथ फिर मिलेंगे, कल सुबह संडे है, कल हम मंदिर जाएंगे, और हमें कहाँ कहाँ जाना है वो सब मैं आप सबको दिखाऊंगी कल कल के न्यू ब्लॉग में सुबह। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, और हमारा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक।